हेलो 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 हेलो। अच्छा दो ही लड़कियां बेटा ज्वाइन। यस मैम, बाकी सब पता नहीं कहाँ गए। ओके अपना टॉपिक चालू था प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट किस तरीके से करा जाता है, किस तरीके से प्रोजेक्ट कंसेप्ट मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया था, ठीक है। आप लोगों को मैं एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ आज। हेलो प्रेतिका, सुनाई आ रहा है बेटा? यस मैम। ओके मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके टाइम लोगों को गाड़ी। ओके स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस मैम दिख रही है। ओके तो यू हैव अ वर्क जो प्रोजेक्ट, ये दिख रहा है प्रोजेक्ट फेसिबिलिटी एंड अप्रेजल ओनली कंसेप्ट। हेलो प्रेरिका दिख रहा है बेटा स्क्रीन? यस मैम। तो इसमें प्रोजेक्ट स्पेसिबिलिटी एंड अप्रेजल दिख रहा है आपको। फाइनेंशियल एनालाइज, मार्केट एनालाइज, टेक्नो इकोनॉमिकल एनालाइज, मैनेजरियल फेसिबिलिटी, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज, ये सारे टेक्निक्स हैं जिसमें कि हम वर्कर की एफिशिएंसी देखते हैं, काम करने का तरीका देखते हैं, वो कितने अच्छे से काम कर रहा है। CPM, PERT, ये भी फुल फॉर्म है एक वर्क नेटवर्क एनालाइज करने का, जिसमें कि आप पता करते हैं कि एक प्रोजेक्ट में एक वर्कर कितने अच्छे से काम कर रहा है। ब्रेक एंड इवन एनालाइज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट इन प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, ये टॉपिक छोड़ दो लास्ट वाला। बाकी जो दिए हैं एनालाइज वाले जितने भी टॉपिक्स दिए हैं वो सब आपको उसके सिर्फ कंसेप्ट निकालना है, ठीक है। मैं आपके ग्रुप में भी सेंड कर देती हूँ। प्रेरिका समझ में आया? जी मैम। एंड नेक्स्ट हु इज इन क्लास? अर्पिता एंड स्वाति। नहीं मैम। ओके जस्ट अ मिनट, मैं फिर से आपको इन्फॉर्म करती हूँ। जो टॉपिक्स दिए हैं प्रोजेक्ट फेसिबिलिटी एंड अप्राइजल, इसमें सिर्फ ओनली कंसेप्ट आपको ये पूरे एनालिसिस जो है ना, ये सब फाइनेंशियल एनालाइज, मार्केट एनालाइज, टेक्नो इकोनॉमिकल एनालाइज, ये सारे टेक्निक्स है जहाँ पे कि आप एम्प्लॉय की वर्क एफिशिएंसी देखते हैं कि वो कितने अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। तो इसके सिर्फ आपको कंसेप्ट लिखना है, ओनली कंसेप्ट, ठीक है। तो ये सभी के आपको कंसेप्ट अभी लिखना है। ये आपको मैं एक असाइनमेंट दे रही हूँ छोटा सा, जो लास्ट वाला है इंटरनल एंड एक्सटर्नल वो छोड़ दो, बाकी फाइनेंशियल, मार्केट, टेक्नो इकोनॉमिकल, मैनेजरियल, सोशल कॉस्ट बेनिफिट, नेटवर्क एनालाइज एंड ब्रेक इवन एनालाइज, इतने टॉपिक्स का आपको सिर्फ कंसेप्ट ढूंढना है। समझ में आया? मैम असाइनमेंट अभी लिखना है क्या? ठीक हाँ बेटा, आज और कल में आप कंप्लीट करो, मुझे सेंड करो। क्वेश्चंस क्वेश्चंस नहीं बेटा, दिस इज अ टॉपिक। ओके मैम। टॉपिक कौन सा? प्रोजेक्ट फेसिबिलिटी। प्रेरिका आपको समझा बेटा? यू कैन कन्वे हर। नहीं आपको मैम, समझा? एक बार फिर से बता दीजिए। ओके, ये जो टॉपिक दिया है प्रोजेक्ट फेसिबिलिटी, जिसमें कि एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी देखी जाती है कि एम्प्लॉय किस से अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। तो जैसे हमने बाकी जो दे रहते हैं ना कि काम किस तरीके से हो रहा है, डाटा एंट्री करते हैं, क्रॉस चेकिंग करते हैं, फाइल चेक करते हैं, उसी तरीके से ये एक एनालाइज है, जहाँ पे फाइनेंशियल एनालाइज मतलब पैसा को चेक करता है कितना पैसा लग रहा है, मार्केट एनालाइज मार्केट में जाके देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छे से सेल हो रहा है,
ये सारे कंसेप्ट है जो एनालाइज करता है और उसी के बेसिस पे बिजनेस के आगे वाले स्टेप्स को डिफाइन करता है। तो आपको ये सभी टॉपिक को ढूंढना है, नेट से ढूंढो या कोई बुक से ढूंढो, या नेट में भी आपको बुक्स बहुत इजीली मिल जाएंगी। उसके सिर्फ कंसेप्ट ही लिखना है आपको, एक एक आधे आधे पेज का आपको कंसेप्ट ढूंढना है उनका, कि ये कंसेप्ट क्या है, जैसे फाइनेंशियल एनालाइज क्या है, ये टेक्निक में ये एनालाइज कैसे करते हैं, कैसी प्रोसेस होती है, बस आपको उतना ही लिखना है। समझ में आया अभी? ओके मैम। फाइनेंशियल का मार्केट, टेक्नो इकोनॉमिकल, मैनेजरियल, सोशल कॉस्ट बेनिफिट, नेटवर्क एनालाइज एंड ब्रेक इवन एनालाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिए है, 7 टॉपिक आपको कवर करना है। ठीक है, समझ में आया इतना? हाँ मैम। यस मैम। तो मैं आपको कल मिलती हूँ फिर क्लास में। कल हम पहले जो ऊपर का जो हमारा बच्चा है प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन, हम लोग वहाँ पर है अभी, तो हम वो टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन। देन मैं प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड रिपोर्ट वो भी मैं कंप्लीट कर लूंगी। देन प्रोजेक्ट फैसिबिलिटी अप्रेजल, वो आपके पास ऑलरेडी कलेक्ट रहेगा डाटा, क्योंकि मैंने आपको हैज असाइनमेंट दे दिया है। तो मॉडल नंबर 1 के सारे असाइनमेंट आपके हो गए हैं कंप्लीट, एक मैंने पेपर ले लिया आपका और एक अभी मैंने आपको काम दिया है, तो आपके 2 हो गए हैं। ठीक है, हर एक मॉडल में से मुझे 2-2 एक्सरसाइजेस कराना है आपको। तो पहला आपका पेपर दिया था मैंने सॉल्व करने के लिए आपको, मैंने व्हाट इज एंटरप्रेन्योर्स और टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। हाँ असाइनमेंट में लिखना है ना? हाँ बेटा, असाइनमेंट बुक में ही लिखना है। पहले मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे ना आपको, व्हाट इज एंटरप्रेन्योर एंड टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया, वो एक असाइनमेंट हो गया। और दूसरा आप ये वाला जो मैंने असाइनमेंट आपको दिया है। ओके मैम, सेकंड मॉडल ना? सेकंड नहीं, 1 मॉडल का ही बेटा, ये मॉडल नंबर 1 का ही 2 असाइनमेंट दिए है। हर एक मॉडल का 2 असाइनमेंट कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम रही तो बेटा कॉल करो, मैं कॉल पे भी आपको बता देती हूँ अच्छे से भी। ओके मैम। मैम अभी का लेक्चर, बेटा अभी के लेक्चर में आपको ये सॉल्व करना है। ओके मैम, कल तक सेंड कर सकते हैं ना मैम? हाँ हाँ, पर अभी से शुरू करो क्योंकि बहुत सारे हैं, तो आपका हो जाएगा तब तक के कंप्लीट। ओके मैम। ओके बेटा, मैं आपको ग्रुप में भी एक बार सेंड कर देती हूँ। फिर भी कोई आपको तकलीफ रही, फिर भी समझ में नहीं आ रहा कंसेप्ट, तो आप मुझको कॉल करके पूछ सकते हो। ओके मैम। ठीक है, नाउ यू कैन लेफ्ट फ्रॉम द क्लास। Thank you.